इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर फिर वही हुआ जिसका डर था। अवाम के दिल में एक डर बैठा हुआ है लॉकडाउन को लेकर, और वो सोच ही रहे थे कि ये फिर से कहीं ये मुसीबत हमार पर आ ना जाए और लॉकडाउन की मुसीबत फिर अवाम के सर आ बैठी है। कल रात 9 बजे से 14 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया। वैसे तो लोगों के जहन में यह खदशा था कि कर्नाटक रियासत में बंद का ऐलान कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि ये डर जो था वो दो वक्त रोटी का था, अगर बंद किया जाएगा तो आखिर गुजारा कैसे होगा। इसी सवाल के बीच जब आज सुबह हुई तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था, हालात बिल्कुल मामूल पर थे, पर अचानक दोपहर के वक्त हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि 14 दिन के लिए फिर जनता कर्फ्यू लगाया गया। वाज़ा रहे कि पिछले साल जब इसी रमजान में लॉकडाउन लगाया गया था तब आवाम के पास कुछ पैसे तो थे, रुपये थे, किसी तरह गुजर बसर कर लिया था, पर अब फिर अचानक 14 दिन का लॉकडाउन। आखिर क्या सोच समझ कर यह फैसला लिया गया समझ में नहीं आ रहा। कारोबार पहले से ही ठप थे, कईयों की नौकरियां वैसे भी पहले लॉकडाउन में ही चली गई थी, अब कुछ लोग संभलने की कोशिश कर रहे थे। जब पिछली मरतबा 2 दिन का लॉकडाउन किया गया था तभी आवाम को शक हो गया था कि लॉकडाउन नाम की मुसीबत गरीबों पर फिर आने वाली है, क्योंकि इसी तरह पहले 1 या 2 दिन के बाद भूखा मरने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। जो लोग कैबिनेट में बैठकर फैसले ले रहे क्या उन्हें इस लॉकडाउन का फर्क पड़ता है? ये मंत्री संतरी जिनकी जायदाद करोड़ों की होती है, जिन्हें अगर महीनों भी लॉकडाउन किया जाए तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोतवाल गली मार्केट सीबीटी के सामने ठेले लगाने वाले, सड़कों पर सब्जी फ्रूट बेचने वाले कैसे गुजारा करेंगे? इस ओर क्या एक बार भी इस हुकूमत ने सोचा है? और वैसे भी इस कोरोना को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? लिहाजा इसी बात भले देर से ही क्यों ना हो, पर मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को सीधे इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया और आगे यह कहा कि इन पर कत्ल की साजिश के मुकदमे भी चलाए जाए। मौजूदा हुकूमत भी कितनी बेशर्म कही जा सकती है, इन्हें किसी हाल में चुनाव जीतने होते भले करोड़ों लोगों की जिंदगियां क्यों ना दांव पे लगा दी जाए। बेलगाम में भी बाई इलेक्शंस मुकम्मल हुए, रैलियां भी हुई, इजलास भी हुए, मीटिंगें भी मुनक्कद की गई, सभी कुछ बेलगाम लोकसभा में भी हो रहा था। अरे इलेक्शन कमीशन आखिर चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है? इसका जवाब तलाशने पर मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन एंड चुनाव आयोग मोदी हुकूमत के मातहत अपने कामों को अंजाम देता है। तभी तो जब बंगाल में इलेक्शन के 4 फेज हो चुके थे और ममता बनर्जी ने कहा था कि बचे हुए चुनावी फेजों को रद्द कर दिया जाए, एक ही दिन में तमाम को मुकम्मल करने का मशवरा भी इन्होंने दिया था, तब यही चुनाव आयोग ने इस बात को रद्द करते हुए कहा था कि तमाम 9 चरण मुकम्मल किए जाएंगे। कहने का मतलब यह चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम करता है, ऐसा बार बार कहा जाता है और यह साबित भी हो रहा है। हाईकोर्ट को भी इस बात का एहसास हुआ और उसने कहा कि मुल्क में जो दूसरी लहर कोरोना की आई हुई है जिससे मुल्क का तमाम निजाम दरहम भरहम हो चुका है, इसके लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। एक बार फिर कर्नाटक में लॉकडाउन से गरीबों की फिक्र में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी, बाजार पूरा बंद रहेगा, होटल और शराब की दुकानों में आपको पार्सल हासिल हो सकता है, बैंकों के काम भी जारी रहेंगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवाम जरूरी चीजों को खरीद सकती है। अस्पताल किसानों को किसी तरह की पाबंदियां नहीं होंगी। मेडिकल दुकान शुरू होंगे, सरकारी दफ्तर शुरू होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी रहेगा। लिहाजा सख्त लॉकडाउन का फैसला वजीर आला येडियुरप्पा और इनकी कैबिनेट ने लिया है। कल तक मिनी लॉकडाउन की बात कही जाती थी, पर आज मुकम्मल 14 दिन लॉकडाउन का फैसला लिया गया। शराब की दुकान, होटल या फिर जरूरी चीजों की खरीदी के लिए 4 घंटे की छूट तो दी जा रही है, पर गरीब कुछ खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगा इस पर अभी हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। लिहाजा एक बार फिर लॉकडाउन से गरीब की सांसें अटकने लगी है बिना कोरोना की, क्योंकि कोरोना में सांस लेने में तकलीफ होने की बात कही जाती है। लिहाजा लॉकडाउन के ऐलान से ही गरीबों की सांसें चलना बंद हो गई है और शायद यही हुकूमत की ख्वाहिश है, ऐसा कईयों का कहना है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।